हाँ तो भाई साहब, आज के इस वाले ब्लॉग में हम आपको कहीं पे घुमाने फिराने नहीं ले जाने वाले और ना ही आपको किसी से मिलाने ले जाएंगे। सीधा सीधा कहें तो आज के इस वाले ब्लॉग में हम आपको एक नए मेहमान से मिलाने वाले हैं, जो कि हमारे को 1 to 10 की प्रोसेस में एक कदम आगे बढ़ाता है। हाँ तो भाई साहब, आप लोग सोच रहे हो क्या ये 1 to 10 की प्रोसेस है क्या? तो देखो, जिस तरीके से छोटा बच्चा समय के साथ बड़ा होता है और अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है और उन पर खरा उतरता है, इसी प्रकार हमने आज से 5 साल पहले यूट्यूब पर जब चैनल क्रिएट किया था, तब हमारे को नॉलेज की कमी थी हमारी यूट्यूब जर्नी में। बाकी हमने समय के साथ काफी कुछ सीख लिया और अभी भी हम सीख ही रहे। जिस दिन हम सक्सेस हो जाएंगे, उस दिन हमारा 1 to 10 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आपको दिखाते हैं हमारे इक्विपमेंट, वो भी हमारे अंदाज में। इस बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको एक फ्री की मोटिवेशन देना चाहूंगा। एक नॉर्मल सा लड़का था जिसको गेम खेलना और वीडियोस बनाना पसंद था। और वो बंद कमरे में साधारण मोबाइल से वीडियोस बनाता था। और उसने खुद का गेमिंग सेटअप तैयार किया अपने काम के दम पर। उसने बिना फेस रिवील किए हुए अपने गेमिंग चैनल पर आज 23,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। और उसे एक समय पे ये सब कुछ एकदम सपने जैसा लगने लगा था। और वो लड़का मैं ही हूँ। आप लोगों ने वो गाना नहीं सुना? कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें, चाय पापे, अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे, नकलियों पे लगे नाके, नुक्स ढूंढे मुझ में आके, पॉलिटिक्स करें फिर जाके, क्योंकि ये रियल है। मैं देसियों के वेस्ट भी, ऑर्गेनिकों के बेस्ट भी, वो ढूंढे मेरी रेसिपी, अपने पैरों पे खड़ा, किसी भी लेबल का सहारा नहीं। तो भैया जी, ये सब कुछ हो रहा है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। और यार, आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और हमें कई सारे लोग डीएम करके बोलते रहते कि भाई आपसे मिलना है। तो हम लोगों ने खरगोन में छोटा सा मीट एंड ग्रीट रख लिया है, जिसे भी आना हो आ सकता है। 13 तारीख यानी शिव डोले के दिन आप लोग मॉर्निंग में 9:30 बजे आ सकते हो मेला ग्राउंड में। वहाँ पे बढ़िया तरीके से अपन मिलते हैं। यार एक तो लोग भी आ गए तो यार अच्छा लगेगा मुझे। तो भैया ये तो थी हमारी जरूरत, अब बात करते हैं हमारे शौक की। तो यार तुम्हारे भाई को शौक है म्यूजिक सुनने का। अब आपको भाई तुम्हारे शौक से हमको क्या लेना देना, सबका अपना अपना शौक होता है। तो देखो यार, जो हमारी अगली कहानी वो यहीं से शुरू होती है। हाँ, मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह। हाँ तो भाई साहब, आप लोग कैसे हो? आपसे हम पहली बार बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है? यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा? आप मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे हो, ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि राज तुम्हारा भाई कैमरा ठोक कर गया कि हमने हमारे शौक के लिए ले लिया गिटार। फैमिली में हमेशा जरूरतें पूरी होती है, ख्वाहिशें नहीं। अगर आपको अपने शौक पूरे करना है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगी। और अगर आपने अपने खुद की मेहनत के पैसे से कोई चीज़ लिया होगा तो आपको वो खुशी मिली होगी। अब मैं आपको इस वाली वीडियो में ये नहीं बता सकता कि यार मुझे कितना खुशी हो रहा है। तेरे सांसों की रात है, तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा? अब गिटार ले तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको बजाकर दिखाने का। बाकी हाँ, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन वगैरह मत रखना कि हम बहुत तगड़ा बजाएंगे। तो
क्योंकि अभी हम बिगिनर है और बाकी हमने जो भी सीखा वो आपको बजाकर दिखाता है। हाँ तो भाई साहब, हमें कमेंट में चार लोग ये भी कहेंगे कि भाई तुमसे बड़ा तो गिटार है। तो यार देखो, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है लोगों की सोच। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर हमने ये चीज़ भी ले ही ली। आप सोच रहे हो कि आप एक गेमर और साथ में एक ब्लॉगर भी हो, तो फिर आपको म्यूजिक लाइन में जाने की क्या जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी सीखने को मिल रहा है मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ पे सब कुछ सीखने का एक मौका मिल रहा है। अगर आप में भी कुछ करने का और सीखने का जुनून है तो उसकी शुरुआत आप आज से कर दीजिए। और अब आप सोच रहे हो भाई हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, तो यार वो चीज़ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने जब हमारी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी तब तो मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था, हम तो यार मांग के काम चलाते थे। बाकी अभी के समय में सबके पास ठीक ठाक मोबाइल रहता है, तो भाई आप किसका इंतजार कर रहे हो, कर दो शुरुआत अभी से। अरे हम भोजन की बात कर रहे थे और हम भावनाओं में बह गए और आपको फ्री का मोटिवेशन चिपका दिए। हाँ तो अभी हमने वोयलिन को ला के रखा ही है, बाकी कुछ दिनों से हमने वोयलिन की प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए, और बाकी हमको अभी तक वोयलिन बजाते तो नहीं आता, फिर भी आपको वोयलिन बजा कर दिखाएंगे। तो इनसे मिले ये हमारे म्यूजिक टीचर श्री चेतन जवर सर, जो कि विगत कई वर्षों से विद्यार्थियों के म्यूजिक की क्लास लेते आ रहे हैं। हम भी इन्हीं से गिटार और वायलिन की क्लास ले रहे हैं। आप इनको छोटा मोटा संगीतकार ना समझे, क्योंकि इनके जो पिताजी श्री भैरूलाल जी जवर, जो कि एक इंटरनेशनल कलाकार है, इनका दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी और कई देश विदेशों में इनका नाम है। यानी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इन्हें म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें सारंगी, गिटार, वायलिन, तबला, बांसुरी जैसे अन्य कई सारे यंत्र बजाते आ जाते। और अगर आप मंडलेश्वर के आसपास के क्षेत्र से और आप किसी म्यूजिक टीचर की तलाश में हो, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। Thank you.